हेलो एवरीवन, मैं आपका रीत आपका दोस्त वेद पर स्वागत करता हूँ आपके अपने एडल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिवॉर्डेड एड्स को अपने एप्स में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अपने एप्स में रिवॉर्डेड एड्स को इंप्लीमेंट करना काफी इजी होता है, तो चलिए देखते हैं कि एड्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मोबाइल एप्स में रिवॉर्डेड एड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है एंड कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आपको यहाँ से कोई भी एक्टिविटी चूज कर लेनी है, तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी पे चूज कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम एंटर करना है। मैं रिवॉर्डेड एड्स ऐप का नेम रख देता हूँ, रिवॉर्डेड एड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ से आप पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो अगर आपको चेंज करना हो तो। यहाँ का हमने वर्क पूरा कंप्लीट कर दिया है, मैं अभी फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने लोडिंग प्रोजेक्ट का पेज ओपन हो जाएगा। तो हम लोडिंग प्रोजेक्ट फिनिश होने तक वेट करते हैं, तो आप देख सकते हो लोडिंग प्रोजेक्ट अभी हो चुका। मैं अभी क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसको ऑल स्क्रीन में सबसे पहले क्लिक कर देता हूँ। तो अभी ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक हम वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैसेज आया था ग्रेडल सिंक फिनिश करके। अभी हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट में आ जाना है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे हम ग्रेडल स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं तो आपके सामने जो सेकेंड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिल्ड डॉट ग्रेडल, आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी है। डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम में जाना होगा, तो मैं क्रोम को ओपन कर देता हूँ। जैसे हम क्रोम को ओपन करेंगे तो आपको सर्च बार में सर्च करना है रिवॉर्डेड एड्स, तो मैं रिवॉर्डेड एड्स सर्च कर देता हूँ। जैसे हम रिवॉर्डेड एड्स सर्च कर देते हैं, जो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है रिवॉर्डेड एड्स एंड्रॉयड गूगल डेवलपर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो गूगल एडमॉप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हमें सबसे पहले गाइड्स पे क्लिक करना है। जैसे गाइड्स पे क्लिक करेंगे आपको जो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद गूगल एडमॉप का गेट स्टार्टेड का पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले स्क्रॉल करना है। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे जो आपको डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है इसको आपको कॉपी करना होगा, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। जैसे हम इसको कॉपी करेंगे हमें बिल्ड डॉट ग्रेडल में आना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगेन हमें क्रोम में जाना है एंड इसको स्क्रॉल करना है एंड जो यहाँ पे मेटा डेटा दिखाई दे रहा है इसको हमें कॉपी करना है। तो मैं इसको सबसे पहले कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। जो प्रोजेक्ट में आपको ऐप दिखाई दे रहा है इसके नीचे मैनिफेस्ट दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे क्लिक करना होगा, तो मैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड आपको जो एक्टिविटी एंड एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है इसके बीच में हमें मेटा डेटा को पेस्ट करना होगा। तो मैं एक्टिविटी के नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने पेस्ट कर दिया। और आपको एक्स एक्स एंड वाई वाई की जगह आपको ऐप आईडी पेस्ट करनी होगी, तो मैं क्रोम में चला जाता हूँ एंड यहाँ से सैंपल ऐप आईडी को कॉपी कर देता हूँ। मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके ऐप आईडी पेस्ट कर देता हूँ। बैक स्पेस से सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है। अभी हम पैकेज के नीचे कुछ परमिशन यूज कर लेते हैं, तो यूजेस परमिशन इंटरनेट, अगेन सेकेंड यूजेस परमिशन नेटवर्क स्टेट, अगेन थर्ड यूजेस परमिशन एक्सेस वाईफाई स्टेट। अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है बिल्ड डॉट ग्रेडल एंड मैनिफेस्ट फाइल में, तो हम इसको सबसे पहले क्लोज कर देते हैं एंड सिंक नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडल बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एंड थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड की प्रोसेस अभी ही फिनिश हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है बिल्ड सक्सेसफुल इन 8 सेकेंड। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड एक्टिविटी मेन में आ जाता हूँ।
टेक्स्ट में आ जाता हूँ, जो आपको टेक्स्ट कोड दिखाई दे रहा है मैं इसमें आ चुका हूँ। एंड जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंस्टिट्यूएंट लेआउट है इसको मैं रिलेटिव लेआउट में चेंज कर देता हूँ। एंड जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैं बटन में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं टेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी एंटर कर देता हूँ। एंड इस बटन को सेंटर में लेके आता हूँ, तो सेंटर इन पैरेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा बटन सेंटर में आ चुका है। अभी हम यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देते हैं, तो ऑन क्लिक वीडियो एट शो यहाँ पे लिख देते हैं। आपको यहाँ पे एरर शो हो रहा होगा तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है बाजू में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर सपोज आपका ये भी शो नहीं हो रहा तो आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए एंड अल्ट एंटर पे प्रेस कर दीजिए। सॉरी, आपको अल्ट एंटर पे क्लिक कर, जैसे आप अल्ट एंटर प्रेस कर देते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, क्रिएट मेथड इन मेन एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंटेंट पास करना होगा। इंटेंट पास करने के लिए आपको सेकेंड एक्टिविटी की नीड होगी। तो मैं यहाँ पे अगेन एक सेकेंड एक्टिविटी को क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक कर देता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ एंड एक्टिविटी पे आ जाता हूँ एंड एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ एंड मेन एक्टिविटी टू इसका नेम रख देता हूँ एंड फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडर बिल्ड अगेन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम वेट करते हैं ग्रेडर बिल्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो ग्रेडर फिनिश इन 12 सेकेंड अभी मैसेज आ चुका है। अभी हम मेन एक्टिविटी पे वर्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटेंट पास कर देता हूँ, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी, जिस भी आप एक्टिविटी में हो उसका नेम एंड दिस कॉमा, आपको जिस एक्टिविटी में जंप करना है उस एक्टिविटी का नेम, मेन एक्टिविटी टू डॉट सॉरी मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास एंड यहाँ पे साइन स्टार्ट एक्टिविटी एंड पास कर देना है इंटेंट। अभी हम मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी में तो जंप कर देंगे, बट यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी है इसलिए मैं यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी लिख देता हूँ। तो इस कोड को कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से एंड एक्टिविटी में टू में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट लेआउट की जगह रिलेटिव लेआउट चेंज कर देता हूँ। एंड ऑन क्लिक को मैं हटा देता हूँ, फर्स्ट एक्टिविटी की जगह मैं सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। मैं अभी रिवॉर्डेड एड्स का कोड कॉपी करता हूँ। तो उसको कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम में जाना होगा एंड जो आपको एड फॉर्मेट दिखाई दे रहा है इसके नीचे जो लास्ट में रिवॉर्डेड एड्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिवॉर्डेड एड्स का पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ एंड जो यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है हमें इसे कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड मेन एक्टिविटी में जाके ऐप कॉम्पेक्टिविटी के नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगेन क्रोम में जाएंगे एंड इस पूरे कोड को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से एंड प्रोजेक्ट में जाके ऑन क्रिएट मेथड के अंदर में इसको पेस्ट करेंगे। अगेन क्रोम में जाएंगे तो हम नीचे चले जाते हैं स्क्रॉल करके। तो आप देख सकते हो अभी हम नीचे आ चुके हैं। तो हम इफ से लेके तो एल्स तक हम इस कोड को कॉपी करेंगे। तो मैं इफ से इस कोड को कॉपी कर देता हूँ एंड जो एल्स पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर देते हैं। हम पूरे पार्ट को हमने कॉपी कर दिया एंड अभी हम कोड में चले जाते हैं। आपको चाहा भी ऐड शो करवाना हो तो इस कोड को पेस्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वीडियो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऐड शो करना होगा। तो मैं यहाँ पे पूरा कोड पेस्ट कर देता हूँ।
हमने पूरा कोड पेस्ट कर दिया है। एंड जिस पे आप एक्टिविटी में हो उस एक्टिविटी का नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए एंड यहाँ पे साइन दीजिए। तो देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो रिडायरेक्ट होकर सेकेंड एक्टिविटी में चले जाएंगे एंड यहाँ पे एट शो होने लग जाएगी। तो अभी आपको मेन एक्टिविटी में कुछ एरर शो हो रहे होंगे, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको अल्ट एंटर एंड इंपोर्ट क्लास पे क्लिक करना होगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, अल्ट एंटर सब पे मैं अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ एंड सभी हमारे यहाँ पे मैं अल्ट एंटर अगेन प्रेस करता हूँ। देख सकते हो हमारे पूरे जो भी एरर थे वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुके हैं। सब पे मैं अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ एंड रिक्वेस्ट पे भी अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास अल्ट एंटर एंड अगेन अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास। जो भी एरर थे वो कम्प्लीटली अभी रिजॉल्व हो चुके हैं। अभी हम इस ऐप को हमारे मोबाइल डिवाइस में रन करके देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा मोबाइल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम रन ऐप पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल सक्सेसफुल फिनिश का मैसेज आ चुका है। हमारा ऐप अभी इंस्टॉल हो रहा है मोबाइल डिवाइस में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिवॉर्डेड एड्स इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा ऐप का नेम है एंड जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किए थे मेन एक्टिविटी में वही यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो मैं जैसे फर्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा तो हमें रिवॉर्डेड एड शो होगा। फर्स्ट एक्टिविटी पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हो हमारे सामने रिवॉर्डेड एड शो होने लग गया है। तो आप देख सकते हो अभी हम जैसे रॉन्ग पे क्लिक करेंगे हम सेकेंड एक्टिविटी पे चले गए। तो इस तरीके से आप रिवॉर्डेड एड्स को मोबाइल ऐप या फिर प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि रिवॉर्डेड एड्स को एप्स में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।